यहाँ पर ही रहेंगे, कैंप मतलब कैंप यहाँ पर ही होगा, हम और यहाँ से समिट मारेंगे, अप्रोक्स 10 किलोमीटर का होगा अप एंड डाउन, ठीक है, हम वापस यही आएंगे समिट मार, क्योंकि क्या ना यहाँ से हम अगर कैंप शिफ्ट करते हैं तो कम्प्लीटली वो गीला होगा, पूरा टेंट रोल करते हैं अंदर पूरा गीला रहेगा, ठीक है, घोड़े ऊपर जाने में टाइम लगेगा, पैकिंग होने में टाइम लगेगा, तो पूरा का पूरा गीला मिलेगा ऊपर जाकर भी, ठीक है, और ऊपर कोई आग वाग जलेगी नहीं, ऊपर कोई उतना आग जलेगी नहीं जो यहाँ पर है, एक अपने पास एक प्लस पॉइंट ये है, आग जो यहाँ पर आप आग सेक सकते हैं, कैंप यही रहेगा तो अपने लिए कोई टेंशन नहीं, हम बस डे पैक उठाएंगे और सब निकल पड़ेंगे। 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर डाउन नहीं, अप एंड डाउन। अच्छा अप एंड डाउन, तो कितने बजे वापस, कितने बजे? हम लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम हमने एक निकाला था टीम को, तो हम शाम के 4:30-5 बजे वापस आते आए थे यहाँ पर। अगर कोई बंदा 5 मिनट भी लेट होगा उसको वही छोड़ दिया जाएगा, वो पीछे से आता रहेगा किसी के साथ, कोई रुकेगा नहीं कल, ध्यान रखना, ठीक है, कल का जो है ना, एक बंदा भी लेट करेगा ना हर जगह पर, इवन ऑन द रूट पे भी कोई लेट नहीं करेगा कल, फोटोग्राफी के चक्कर में हो गया, रेस्ट के चक्कर में, कहां पर भी रेस्ट आपको थान सिंह में आगे से रहेंगे वो दे देंगे, आपको बता दिया जाएगा, थान सिंह भाई रहेंगे, रेस्ट चाहिए ना, रेस्ट मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं, बिना हम रेस्ट के भगाएंगे आप लोग, मैं तो बुड्ढा हूं, ठीक है, तो उसी हिसाब से लेके चलिए, लेकिन हम भी भगा भगा लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उस चीज का कि कल का समिट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा हम इतने, हम पता क्यों क्यों फोर्स करते हैं आप लोगों को, पहाड़ों में हमेशा 12 बजे से पहले सबमिट होके आपको जितना हो सके उतना कवर करके वापस भी आना होता है, क्योंकि 12 बजे के बाद मौसम पहाड़ों में खराब होता है, समझ गए, इसलिए हम ज्यादा फोर्स करते हैं कि जल्दी चलो कवर करो। वेरी कोल्ड मॉर्निंग आउट देयर, अभी थर्ड डे है, आई थिंक लास्ट डे नहीं होगा प्रॉब्ली, और समिट डे करने के बाद वापस हम लोअर पहुंच जाएंगे, तो क्वाइट अ जर्नी इट इज, आई थिंक 10 hours से भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अब हम पहले सोच रहे थे कि यहीं पे ही वापस आएँ, बट अब डायरेक्ट लोहा जंग आने वाले, तो 12-13 kilometers का होगा आज, देखते हैं। सबसे टफ काम स्लीपिंग बैग को अंदर डालना। ऑल सेट टू गो, चल रहे हैं हम। आज ऐसा हुआ कि जो स्लो चलते हैं वो बिल्कुल आगे जाएंगे, और जो सही चलते हैं नॉर्मल वो पीछे, मैं पीछे चल रहा हूँ, सबसे लास्ट, सब आगे, तो ट्रैक लीडर के साथ पीछे चलूँगा आज। इतना ज़्यादा मतलब टफ नहीं है अब तक, ऑलमोस्ट 1 hour तक हो गया चलते हुए, अब देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हुआ है हमें, और थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद अभी ऐसा कि 2 bags ले जाने थे, तो एक जो बड़ा वाला बैग इससे पहले मैं ले जा रहा था वो हम यहाँ पे रख देंगे, और इसके बाद हम पूरी टॉप पे जाएंगे, और टॉप पे जाने के बाद फिर वापस आएंगे, और अब लोहा जंग तक भी जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। होपफुली अभी तो बिल्कुल ही ब्राइट स्काई हो रहा है, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है, अब देखते हैं क्या होता है। कैसा लग रहा है लास्ट में चल रहे हैं आज हम? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि कंटिन्यूसली रुकना नहीं पड़ रहा है, रिदम में चल रहे हैं। पिछली बार तो हम सारे आगे चल रहे थे तो सबका रिदम तोड़ रहे थे, इसलिए हमने सीक्वेंस बना दिया। अली बुग्याल, वेदनी बुग्याल, ऊपर से भी दिखेगा, ऊपर से और अच्छे क्लियर से दिखता है।
वहाँ पे पूरा अभी इन्फॉर्मेशन सब कुछ बताई गई और पूरा 360 व्यू है, मतलब पूरा टॉप पे लगता है। यहाँ पे इतने सारे टॉप्स दिखते हैं, पता भी नहीं चलता कि इतने सारे टॉप दिख रहे हैं, मेरे को नाम भी याद नहीं हो पाया, इतने सारे टॉप्स हैं। लेकिन माउंट त्रिशूल यहाँ पे सबसे ही ऊँचा है और सबसे सुंदर, तो वो जरूर देखना। पहुँच गए। तू गुड यार, मजा आया, हैप्पी, मजा आया। ब्रो पहुंच गए, पहुंच गए भाई, पहुंच गए। ये 12 बजे से पहले पहुंच गए, नहीं नहीं 12 से ज्यादा हो रहा है। मेरा पैर डेड है। हां डेड है, पैर पैर लेफ्ट पैर डेड है भाई। कैसा लग रहा है? यो सारे बातें बात छा गए बट अच्छा लग रहा है। पूजा महाराष्ट्र वाली थी, जय महाराष्ट्र वाली थी, काफी अच्छा लग रहा है। जब से बना रहा हूँ। कैसा लग रहा है पहुँच के? मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से ऐसे लड़ते हुए आ रहे हैं। किससे लड़ के आ रहे हो? मुझसे तो नहीं लड़े। अब लड़ लो, मेरठ मेरठ भाई चल, अब लड़ो। उनको बुरा लग रहा है उनके साथ नहीं लड़े। मेरे साथ लड़ाई नहीं। लाइव लाइट दोनों, ये ये तो स्पॉटलाइट है हमारी। ये है वो इंसान, ये है वो इंसान जिसे स्पॉटलाइट चाहिए। इसे 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 शक्ल दिखानी है, देख लो बस, देख लो यार इसे। और ये भी देख लो, बड़ी प्यारी शक्ल है। यहाँ की हाइट है 11,000 फीट राइट, और ये सामने ही ब्रह्मताल है। ब्रह्मताल लेक जो है, ये एक ट्री है, बहुत सारे ट्री है सामने पे, उसके टहनियाँ लंबी लंबी टहनियाँ दिख रही है उसके नीचे, इसी के नीचे ब्रह्मताल है। और उस हाँ जी हाँ जी, और इधर साइड पे एक टेंपल है, ये ब्रह्मा जी का टेंपल है, और ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। ब्रह्मताल लेक में ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, इसलिए ब्रह्मताल पड़ा है। और अभी सब क्लाउडी दिख रहा है, और थोड़ा सा बैदनी दिख रहा है, बैदनी बुग्याल, ये थोड़ा सा खुला हुआ है, ये बैदनी बुग्याल का पैच है। और इस साइड पे आली बुग्याल, ये नीचे दीदीना विलेज, और ये दीदीना है, दीदीना है। उसके बीच में जो ट्री लाइन के बीच में दिख रहा है एक प्लेन एरिया दिख रहा है, ये तोल पानी है डियर। और उसके ऊपर आली बुग्याल, और इधर से दिखता है बुग्याल कोटी दिखता है, सबसे पहले बुग्याल कोटी, फिर नंदा गुमटी, फिर वैथारतोली फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर त्रिशूल फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर मैगतोली, मृगथुनी, करकथुनी, फिर बनोटी, फिर जेठी बहुरानी, फिर एपी लास्ट। और चौखंबा वगैरह दिखता है, चौखंबा, नीलकंठ, सरस्वती पर्वत, हाँ पूरा दिखता है, पूरा मैसिव दिखता है, पूरा मैसिव। और उधर से नीलकंठ से स्टार्ट होता है, नीलकंठ, सरस्वती पर्वत, फिर चौखंबा, और फिर हाँ वो दिखता है बाल वाला वेस्ट, पाल वाला दिखता है, फिर पंचाचुली दिखता है, फिर पांगरचुला दिखता है, फिर हाथी घोड़ा पर्वत दिखता है। बहुत ही ज़्यादा हवा हो रही है इस टाइम, तो ड्रोन वगैरह कुछ भी नहीं उड़ाएंगे, और बैटरी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है, सब लगे हुए हैं, सब हैप्पी हैं इस टाइम। अभी हम मूव बैक हो रहे हैं, चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड, हाथ फ्रीज, और थोड़े बहुत ब्राउन थे वो भी ब्लैक। तो जहाँ पर हमने अपने बैग्स छोड़े थे वहीं पर दोबारा आ गए, और अब डायरेक्ट लोहाजन जाएंगे। तो ओवरऑल आई थिंक 10-12 किलोमीटर्स का आज पूरे तरीके से ट्रैक हो गया, आज कंप्लीट हो जाएगा। नंदी टॉप देखा हमने, इतनी सारी हिस्ट्रीज पढ़ी, अब जाएंगे, लास्ट डे है प्रॉब्ली, और फिर अगले दिन बैक टू होम। थोड़ा दुख तो हो रहा है पर मज़ा भी आया, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ इतना टफ भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। और अगर हम ब्रह्मताल नहीं जा पाए, ब्रह्मताल इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी, और अब ऐसा होगा कि वहाँ से नहीं जा पाए हम, तो अब वापस आ गए हैं। लेकिन आप अगर आ रहे हो
तो उस टाइम आओ जहाँ पे स्नोफॉल्स वगैरह काफ़ी कम है, तो पूरा पीक स्नोफॉल या पूरे पीक विंडोज़ में आओगे तो अधिकतर ब्रह्मताल पे पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स द पॉइंट, अब हम जा रहे हैं वापस मस्ती करते हुए। कौन सो गया हो तुम्हारे इसमें से? कौन यार, इसमें तो शामिल हो जाओ। ये अबे हेडशॉट चाहिए। मैं नहीं था यार, वो उसने मारा है। ठीक है अबे अरे मुंह ओ ओ परफेक्ट, इससे बेस्ट शॉट कोई नहीं भाई, बेस्ट अब तक का बेस्ट ये था। ये फाइनली पहुंचने वाले हैं, सुबह 8:30 बजे से पहले ही निकल गए थे, तो सुबह 8:30 बजे से पहले ही निकल गए थे। अब पहुंचने वाले हैं लोंगजंग, क्वाइट अ जर्नी, कहीं कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम पे रुके हम, बाकी तब से चल ही रहे। सो ओवरऑल इट इज़ जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग पीपल, काफ़ी मज़ा आया। अब कल चले जाएंगे। ये बाकी सब ट्रैक्स मुझे नहीं चाहिए, 2-3 किलो बढ़ जाता। प्लीज टेल योर एक्सपीरियंस। रुस्मान काफी अच्छा लगा, हमारे इंजन जो है ना इंजन ने जो पुश पहले पुल किया फिर पुश किया, हमारी जो इंजन है स्नेहा जी जो पीछे से धक्का मारे, बहुत अच्छा लगा हमें, हमें बहुत मोटिवेशन मिला। असेंट के टाइम में बहुत हेल्प हुई सच में, तुम आगे चल रही थी तो हमें बहुत ब्रेक मिला। पूजा आगे मस्ता चल, आई वाज सो हैप्पी, शी एंड पूजा आर गोइंग स्लो, हमें ब्रेक मिल रही है। चलो आप बताओ आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो? देखना पड़ेगा, डिफिकल्ट यहाँ पे। ऑर्डर्स कौन विद माय एली पास? अच्छा, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज सो नाइस, द सीक्वेंस वाज वेरी गुड एंड सो वी आर स्टिल मेंटेनिंग द सीक्वेंस। वेल वेरी नाइस। चलो आप बताओ, आपको भी कुछ बोलना है सीक्वेंस के बारे में? सीक्वेंस में तो बड़ा मजा आया, जो परफेक्ट टाइम पे ब्रेक ले रहे थे ना सब। ये सीक्वेंस कौन चला रहा था? सीक्वेंस आप ही तो चला रहे थे, बेस्ट था सबसे। एक आप चलो आप बताओ कैसे था एक्सपीरियंस? अच्छा था, जुलाबी मिली। ये जुलाबी और ये दिस इज ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस है, आज पता चला मुझे। इनका नाम अमरूद ही अच्छा है। अच्छा, अमरूद रंग है, अमरूद। चलो तुम्हारा बताओ एक्सपीरियंस। बढ़िया था, इंजन भी काफी अच्छा था, अभी स्नो फाइट का तो क्या ही कहे, मजे ही आ गए। और मेरठ 2, yes, इसका है। नाम तो मुझे अब तक नहीं पता है, yes. बताया मुझे 3-4 बार बट नहीं पता। मेरा नाम मेरठ भी है अब तक, मेरठ 2। और तुम्हारा एक्सपीरियंस? बढ़िया था, मजा आया। नेक्स्ट कहाँ जाने का प्लान है? नेक्स्ट ऐसा सोचा नहीं प्लान, बट बहुत सारे ट्रैक्स है। नेक्स्ट घर जाने का। और योर्स? आई हेटेड इट लाइक एनीथिंग। व्हाई यू हेटेड इट? आई यूज्ड टू आस्क दोस गाइस कीप मूविंग, आई विल जॉइन बट दे नेवर मूव, दे लाइक ओके यू गो ओके सेम गो। I enjoyed it, only fear was that I should not fall. I didn't fall. चलो बताओ यूट्यूबर एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट होपफुली है कि बाली जाऊँ। इनको भी लेके जाना, ये है हमारे हीरो। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? टू मच कष्ट, लिटिल कष्ट है बट फाइनली हैप्पी। और तुम्हारा एक्सपीरियंस? बढ़िया एक्सपीरियंस, जैसा हमारे ब्लॉगर ने कह दिया वैसे एक्सपीरियंस ब्लॉगर का। ये हमारे ब्लॉगर, इनको फॉलो करो। अभी आती है हमारी मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, सीजन ट्रैकर। चलो आपका एक्सपीरियंस बताओ। बहुत अच्छा रहा, टॉप पे जाके बहुत मजा आया। जो त्रिउंड ने थोड़े से दर्शन दिए, दैट वाज लाइक ऑसम। एंड यस, फोटो एंड वीडियोस विद द फ्लैग। वो त्रिउंड था या त्रिशूल? त्रिशूल, त्रिशूल, सॉरी मैं। अच्छा, अभी आते हैं हमारे ट्रैक लीडर्स। ट्रैक लीडर्स, आपकी फेवरेट कौन रहा ये ट्रैक में? मैं अपना खुद का फेवरेट हूँ। अच्छा भैया, मेरा फेवरेट थानसिंह भाई है। मेरा फेवरेट सब लोग बनाओ, कॉफी नहीं है। और आपका मजा आया? पूरी टीम। अच्छा, सही टीम। और अपना खुद का फेवरेट मैं हूँ। सही है, एक शाही स्ट्रांग। ओ चिंटू, हाँ
मेरे को बीर चाहिए। बीर चाहिए? मिलेगा? नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा। बीर, 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 बीर। अभी मैंने सबको रिकॉर्ड किया एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जस्ट दैट मुझे डर था कि मैं गिर जाऊंगी बट मैं नहीं गिरी। बाय 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 आंटी, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मिलेंगे बिल्कुल का। कोई चंडीगढ़ आना हो तो बताइए। बाय बाय। YouTube का वीडियो भेजना हमको। ठीक है। व्लॉग वाले ना।